तो जय जोहर संगवारी हो, मैं हूँ लोकेश पैकरा और आप मन देखता हो हमारे चैनल लोकेश पैकरा ऑफिशियल। तो संगवारी हो, आज हरे 4 अगस्त और हमन 2 महीने पहले प्लान बना रहे हैं 4 अगस्त तक के घूमे जाना है विशाखापट्टनम के। तो आज वो दिन आ गए है और आज हमन शाम 6 बजे निकलने वाला हन विशाखापट्टनम के लिए, जहाँ पे वाइजेक सिटी बहुत प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ में उतनी ले घूमबो बस्तर, बस्तर में भी बहुत सारा तीर्थ स्थल है, वाटरफॉल है, तो वहाँ भी घूमबो। तो आप मतलब भी बताओ और घुमाओ। तो हमारे चैनल में नया हो तो हमारे चैनल ला सब्सक्राइब कराओ, लाइक कराओ और शेयर भी कराओ। तो तब तक लिए बाय बाय। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो भाई यार, अभी सुबह के बजे है 6:45 और हमन पहुंच गए हैं चित्रकूट बस्तर और यहाँ के सबसे पहले चाय पिया थे। देख लो सब साथी मन चाय पिया थे। और सर तो चाय कहाँ गए सर? चाय इधर। तो भाई यहाँ पे थे बस्तर कैफे है, क्या है सोविनियर शॉप। यहाँ पे जो भी मिलते बस्तर वाला आर्ट सामान। और ये मंदिर है यहाँ। ए भाई, लव बस्तर के थम थीम लगे है जहाँ फोटो खिंचाते सब। तो भाई यार, दूर से नजारा चित्रकूट के, पास जाके देखथन कैसे लगते। देख लो भाई ये चित्रकूट के नज़ारा। भाई यहाँ के गार्डन है देख लो, और इधर से नीचे जाकर रास्ता है, नदी उफान मारा थे बहुत चला थे। और ये सब लाइट लगने वाला है, अभी कार्य पेंडिंग में है। ये वहाँ पूरा कलरफुल वाला लाइट लगी तो भी रात के भी नज़ारा अच्छा दिखी। देख लो कितना यार, 6-7 लाइट लगी वहाँ बहुत बड़े बड़े, तो फिर रात के नज़ारा अच्छा लगी। तो भाई यार, हमें नदी के नीचे जा थन, नदी के नीचे के नज़ारा लेवर। और ये सीढ़ी बने साइड 15-4-20 ना, देख लो ये दे 15-4 बहुत ही अच्छा छोटे सीढ़ी बने एकदम छोटे छोटे। यहाँ से भी बहुत अच्छा नज़ारा है देख लो, यहाँ पे अच्छा ही फोटो, यहाँ से भी नज़ारा बहुत अच्छा दिखी। यहाँ से भाई नज़ारा देखो, ये देखो भाई यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा दिखा, जूम करके दिखा देता हूँ। ये देख लो भाई यहाँ से नज़ारा। और ये पानी तो अभी पूरा गंदा है बट बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यार, वाह। देख लो भाई, नाम तो बहुत सुने रहे हैं और आज देखे आ भी गए, बहुत ही अच्छा है। तो भाई ये नीचे साइड के नज़ारा है रे, मस्त सीढ़ी बने नीचे उतरे बा। और आप मैं देखा पाते हो कहाँ का बने थे ये, कुछ कुछ गार्डन टाइप से बने हैं। और देख लो, तो भाई देख लो यार, यहाँ पे फोटो बने यार सीमेंट के,
और ये साइड पूरा लकड़ी लकड़ी वाला डिजाइन बने हैं, एक गेट बने हैं चित्रकूट के, मस्त एकदम देख लो नेचर ट्रायल। देख लो भाई यहाँ ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक सीढ़ी बने हैं और पूरा लकड़ी। पहला भाई बैग लधर के जाते दोनों ला। यहाँ चित्रकूट में बस वही वाटरफॉल है और कुछ नहीं। तो भाई यार वाटरफॉल के जस्ट बगल में ये भगवान शिव जी के मंदिर है, यहाँ बहुत बड़े शिवलिंग है और ये जस्ट सामने में ही नंदी महाराज की मूर्ति है, देख लो बहुत ही सुंदर मूर्ति है। शिव जी के बहुत सारा घंटी लगे यहाँ, पंडित जी पूजा कर रहे थे। तो भाई यार मंदिर के बगल से ये वाटरफॉल का नज़ारा कुछ ऐसे नज़ारा थे, देख लो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अभी सुबह सुबह तो ज़्यादा पर्यटक नहीं आए, टाइम सही। और वाटरफॉल के जस्ट बगल में शिव जी के मंदिर है, ऊपर में शिवलिंग की प्रतिमा बने हैं, देख लो। तो भाई चित्रकूट में बस अतनेरी से ये शिव जी के मंदिर है और ये जस्ट बगल में वाटरफॉल है चित्रकूट के। तो बस भाई यहाँ इतने हैं, अब यहाँ से निकल वो तीरथगढ़ जलप्रपात, अब वहाँ देखता ना। अब यहाँ भाई पहली बार आए हैं तो यहाँ तो वैसे कुछ नहीं है, ठीक है वैसे पहली बार आते निकल लिए तो फिर चलते हैं यार। तो भाई हम चित्रकूट जलप्रपात घूम रहे हैं, बहुत अच्छा से घूमे कैसे सर? बिल्कुल बहुत आनंद आया। आना इस ना इस तो भैया बिल्कुल बिल्कुल बहुत मजा आया। तो फिर कहाँ जाना है अब इसके बाद? तीरथगढ़ जाएंगे। तीरथगढ़ जाना है ना? जी जी ठीक है सर। और तीरथगढ़ खूब जलप्रपात के एंजॉय करेंगे और वहीं खाना वाना खाएंगे, वहीं खाना है नहाना है और सोना वोना नहीं है वहाँ, फिर वहाँ से दंतेवाड़ा निकलना है ना। ठीक है, तो इसी भी हमारे वीडियो देखा रहा और चैनल बनाए तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, पूरा वीडियो बना था देखा मन लागी था।